नहीं, पहले तो इमरती देवी से ये पूछो कि काय के रिश्ते जा रहे हैं, कौन सी बेटी मेरे बेटे को ब्याही है उनकी, या कौन सा मेरा बेटा उनकी बेटी को ब्याही है। पहले तो उन पे कोई बेटी है नहीं, और जो बेटी उन्होंने गोद ली है वो तो उसके चंद्रसेन के बेटे के लिए ब्याही है, बिट्टू के लिए अकबई, तो उनका कौन सा रिश्ता है मेरे को बताएं जरा। और राजनीति में ये रिश्ते नाते काम नहीं आते, राजनीति में तो सीधा जंग है। वो भाजपा से प्रत्याशी है, सुरेश राजे कांग्रेस से प्रत्याशी है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा पता नहीं, मैंने ये कहा कि पिछले कम से कम लगभग 15-20 साल से वो राजनीति में हैं, 3 चुनाव वो क्षेत्र में जीत चुकी हैं। कभी जैसे आज मेरे आजू बाजू मेरे अपने खुद के अपने मित्र या परिवार के लोग रहेंगे निश्चित रूप से, तो मेरे बारे में जानकारी होना चाहिए ना, बेटा कौन है, बिटिया कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी माँ या मेरे नाना कौन। लेकिन इनके पति देव के बारे में आज तक किसी ने प्रश्न ही नहीं किया आप बंधुओं ने। आखिरकार कभी पूछो तो उनसे कि आपके पति देव कौन है। आप जो सुरेश राजे को संधि के बाद में प्रचारित करती हो तो कभी पति के बारे में भी बोलो, एक आध फोटो बताओ कि ये मेरे ये पति देव है साहब। और आखिरकार पति तो परमेश्वर होता है, आप पूछो ना उनसे ये बात, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। डबरा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे ने जो आपत्तिजनक भाषा मंत्री इमरती देवी के लिए इस्तेमाल की है, उसके लिए सुरेश राजे सार्वजनिक रूप से आप सामने आकर माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी सुरेश राजे को बाहर का रास्ता दिखाए। देश और प्रदेश की जनता ने देखा है, तंदूर कांड को रचने वाली कांग्रेस, उसे अंजाम देने वाली कांग्रेस, महिलाओं को टांचमाल की संज्ञा देने वाली कांग्रेस, और फिर उसके बाद जीतू पटवारी, शशांक भार्गव, सुरेश राजे और एक लंबी फहरिस्त, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला हो उस पार्टी में महिलाओं का बार बार अपमान, पार्टी के बाहर महिलाओं का अपमान, प्रदेश की महिलाओं का अपमान, बहुत ही दुखद और निंदनीय है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।